पूज्य दादी माँ का मैं सम्मान करते हुए मैं मंच पे उपस्थित सभी अतिथि महोदय का सम्मान करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का। आज नशा मुक्ति से के लिए जो ये आयोजन हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है इसी विद्यालय के तत्वावधान में, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसे ज्वाइन करने के लिए यहाँ उपस्थित होने के लिए हमें मौका मिला और हमने यहाँ पे आके बॉम्बे से आए हुए डॉक्टर साहब के ने जो बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं हम लोग अवेकन हैं लेकिन उसके बाद भी हम लोग अज्ञान हैं। हमें नहीं मालूम कि स्कूल के बाहर आइसक्रीम में किस तरीके से बच्चों को नशा दिया जाता है और जो चुंगी मारती है किस तरीके से बच्चे उसमें नशे के आदि हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमें तो जानकारी हुई है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ जिससे कि सभी लोग अपने बच्चों को ऐसे नशे से दूर कर रखें और एक नशा मुक्ति की दिशा में एक हम अच्छा प्रयास कर सकें। और हमारी तो विशेष रिक्वेस्ट यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से ये है कम से कम अपने घर के बच्चों को विशेष ध्यान देते हुए नशे की लत न लगने दें। जो बड़े लोग हैं उनको लग गई है और उनको जब हम मना करते हैं, कोई बच्चा है बेटा है वो मना करता है, शायद वो उस हद तक नहीं जा सकता अपने फादर से कहने के लिए, लेकिन जब उनसे बड़े लोग उनको कहते हैं तो शायद वो मानेंगे। और अगर बच्चे को आप मना करेंगे और इस चीज़ से उसको अवेकन करेंगे कहीं ना कहीं कमिंग जनरेशन जो हमारी आएगी वो एक नशा मुक्त जनरेशन होगी और हमारा भारत एक स्वस्थ भारत होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।